हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुंडली भाग्य प्रीता इंस्पायर्ड मेकअप लुक। और उनका ये मेकअप लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मैं इसे शेयर करूँ। अगर आप नई दुल्हन हैं तब भी आप इस मेकअप लुक को कर सकती हैं। कोई भी इस मेकअप लुक को ईजिली कर सकता है, बहुत ही ईजी है इसे करना। तो चलिए देख लेते हैं मैंने मेकअप लुक कैसे किया है। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नई नई वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज, इससे आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिलेंगे। और कमेंट में ज़रूर गाइज बताइएगा मुझे कि आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। और गाइज, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे DIY, स्किन केयर, हेयर केयर और भी इंस्पायर्ड मेकअप लुक, मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किए हुए हैं, तो प्लीज़ एक बार मेरी वीडियो की लिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ मैक का फेस प्राइमर। मैं सबसे पहले फेस प्राइमर लगा रही हूँ ताकि अच्छे से ये मेरी स्किन में सेट हो जाए। इसके बाद मैं अपनी आईज़ का मेकअप करूँगी सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी आईज़ का मेकअप करने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपनी आईज़ पर कंसीलर। इसे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से सेट कर लूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इस कंसीलर को। उसके बाद मैं मेबिलिन कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी कि कोई भी क्रीज ना बने मेरे कंसीलर में। और मैं ब्लैक और ब्राउन कलर का शेड मिक्स कर अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी, क्योंकि प्रीता की भी आईब्रोज़ कुछ ऐसी ही हैं। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ डार्क पिंक कलर का शेड ले रही हूँ। मैं इसे अपनी क्रीज लाइन पर लगा लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और मैं इसे जब तक ब्लेंड करूँगी जब तक कि मुझे अच्छे से मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता, क्योंकि आई शेडो को ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं यहाँ पर जैकलिन हिल पैलेट से डार्क ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ और इसे मैं आउटर वी पर लगा लूँगी। आगे की तरफ नहीं लेकर आऊँगी, इसे मैं बस वहीं पर प्रेस करते हुए हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं ये सिल्वर कलर का शेड लेकर अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी हाफ आईलिड पर लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है इस मेकअप लुक को करना गाइज। आप भी इसे प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी है और बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से हल्का सा इसे ब्लेंड कर लूँगी और जो भी फॉल आउट हुआ है उसे मैं रिमूव कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लू हेवन का आई लाइनर। और सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ मैंने ये मेकअप लुक किया है। और मैं छोटा सा विंग बना रही हूँ। और अब मैं एक आईलैशेस कर्लर की हेल्प से अपनी लैशेस को कर्ल कर लूँगी ताकि मेरा मस्कारा अच्छे से अप्लाई हो सके। आप चाहें तो इस मेकअप लुक को यहीं फिनिश कर सकते हैं मस्कारा के बाद, अदरवाइज आप फॉल्स लैशेस भी वियर कर सकते हैं, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। तो अब मैं मस्कारा का 1 से 2 कोट लगा लूँगी, इसके बाद मैं अपनी फॉल्स लैशेस लगाऊँगी। और अब मैं अपने फेस मेकअप की तरफ बढ़ती हूँ। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। गाइस, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। एक बार मेरी वीडियो के लिए इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट, मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे गीला कर अच्छे से स्क्वीज कर अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी, टैप टैप करते हुए अच्छे से। और गाइज, जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं तो आपके ब्यूटी ब्लेंडर में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से इसे निचोड़ लेना है आपने, अच्छे से स्क्वीज कर लेना है। नेक्स्ट, मुझे इस एरिया में और ज़्यादा कवरेज चाहिए तो मैं यहाँ पर इसी फाउंडेशन को लगा लूँगी। एक तरह से आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं अपने डार्क सर्कल जो मुझे हल्के फुल्के हैं उसे हाइड करने के लिए भी लगा रही हूँ। और नेक्स्ट, मुझे जो अच्छी कवरेज चाहिए वो भी मिल जाएगी, तो मैं इसे भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबिलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर और इसे अच्छे से अपने फाउंडेशन को सेट कर लूँगी। गाइस, कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर की हेल्प से फाउंडेशन को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका फाउंडेशन आपको चिपचिपा सा महसूस होता है और केकी लगता है काफ़ी। तो अब मैं ऑफ कैमरा मैंने अपनी पलके लगा ली थी, यानी कि फॉल्स लैशेज लगा ली थी, तो मैं मस्कारा लगा रही थी यहाँ पर। अब मैं अपने फेस को कंटूर कर लूँगी, क्योंकि मेकअप की इतनी ज़्यादा लेयर हो जाती है तो उसके लिए आपको कंटूरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं तो आपका फेस काफ़ी हैवी दिखने लगता है मेकअप से। तो अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लश। बस थोड़ा सा स्माइल करना है और ब्लश लगाना है। और अब मैं लगा रही हूँ हाईलाइटर, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है और मुझे हाईलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। We'll be right back.
नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फेसिस कैनेडा का काजल, और मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी वही पिंक कलर का शेड लगा लूँगी काजल के बाद, जो कि मैंने अपनी क्रीज लाइन पर लगाया था, इसी पिंक कलर के शेड को मैं ब्लेंड करते हुए लगा लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लिप लाइनर, और गाइस मेरा गला खराब है तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लिक्विड लिपस्टिक, ये ADS की लिक्विड लिपस्टिक है जो कि मेरी फेवरेट है और मेरा फेवरेट शेड भी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेकअप फिक्सर, ताकि मेरा मेकअप अच्छे से सेट हो जाए। और गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको मेरा ये फाइनल लुक पसंद आया हो, और पसंद आए तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, और प्लीज़ गाइस अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी एडवाइस आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बता दीजिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। सो गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।